नमः शिवाय। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 4 नवंबर 2020 का दिन तुला राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक है, तो आप उसे भी देखें। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके कामकाज, आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। दोस्तों, कामकाज के दृष्टिकोण से आपका समय बहुत ही ज्यादा बेहतर और शानदार है। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस काम को करने के दृष्टिकोण से आपका समय आपका साथ अवश्य देगा। लेकिन अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा नीचे है। दोस्तों, आने वाले समय से पहले अगर आपने अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से कोई वादा किया था, कोई प्रॉमिस किया था, तो अपने वादे को आपको पूरा करना होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके प्रेम संबंध में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वैसे अगर आपके घर परिवार की बात करें तो घर परिवार के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा, न ज्यादा बेहतर न ज्यादा खराब। दोस्तों, आने वाले समय के दौरान अगर आपके मन में कहीं कोई तनाव हो, कहीं कोई परेशानी हो, तो उस तनाव को आपको अपने घर वालों के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके घर परिवार के लोग आपकी सहायता करेंगे। लेकिन अगर आपके धन संपत्ति की बात करें तो पैसों के दृष्टिकोण से भी आपका समय बहुत ही ज्यादा बेहतर और शानदार है। तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दौरान आपके लिए अनोखा टोटका, भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है पारदर्शी और गुलाबी। आज आपके लिए भाग्यशाली अंक है 6 यानी कि 6। तो इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस टोटके को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। दोस्तों, टोटका बहुत ही ज्यादा सामान्य है। आने वाले समय के दौरान 10 वर्ष से कम आयु की कन्या को आपको भोजन कराना होगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आने वाले समय के दौरान आपके जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। धन्यवाद।